साथियों, आज मैं आप लोगों से फिलिस्तीन इसराइल संघर्ष पर कुछ बात रखना चाहता हूँ। पिछला एक महीना हो गया करीब, तब से वहाँ पर हिंसा चल रही है। कहने को तो हमास के लोग गाजा पट्टी से इसराइल के ऊपर रॉकेट दाग रहे हैं और उधर के लोग यहाँ बमबारी कर रहे हैं, यानी जैसे लग रहा है जैसे लड़ाई चल रही है, लेकिन दरअसल वो एक तरफा चीज है। हुआ ये कि ईस्ट जेरूसलम एक शहर है जिसके अंदर ओल्ड सिटी भी है और उसके अंदर एक ऐसा इलाका है जहाँ मुसलमानों की बड़ी आबादी है, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है। तो वहाँ पे रमजान के महीने और वहीं पे अल अक्सा मस्जिद है जो कि मक्का और मदीना के बाद सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है, सबसे पूज्य मस्जिद मानी जाती है। तो उस इलाके में रमजान के महीने में लोग एक जगह है, वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं, बातचीत करते हैं। इस दफ़ा सरकार ने, इसराइल की सरकार ने उस इलाके पे बंदिश लगा दी और वहाँ पे बैरिकेड वगैरह लगा दिए। लोगों ने इसका एतराज़ किया। साथ में उस इलाके से सटे किसी इलाके से कुछ कई दर्जन मुसलमानों को या फिलिस्तीनियों को निकालने की कार्रवाई चालू कर दी। एक घटना और घटी रही थी वहाँ पे कि पुलिस के संरक्षण में वहाँ के जो कट्टरपंथी यहूदी हैं, ज्यूज़ हैं, वो उस इलाके में आते थे और अपनी मर्जी से ऐसे ऐसे नारे लगाते थे, ऐसी बातें कहते थे जिसकी वजह से लोग थर्रा जाते थे, तो टेंशन पैदा होता था। तो जब ऐसी घटनाएं घटी, लोगों ने उसका विरोध किया, तो उसकी वजह से थोड़ी सी हिंसा भड़क गई और हिंसा का आलम यह हुआ कि सरकार उसमें इन्वॉल्व हो गई। करना तो ये चाहिए था सरकार को कि दोनों कम्युनिटीज के जो भी दंगाई किस्म के लोग हैं उनको पकड़ लेती, उनको रोक लेती, लेकिन नहीं, इन्होंने तो कहा कि हम भारी भरकम प्रयोग करेंगे। तो हमास तो वहाँ पे क्या है कि तीन इलाके हैं, ईस्ट जेरूसलम, गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक। ये तीनों इलाके 1967 तक इसराइल की सरहद से बाहर थे, कोई इजिप्ट में था, कोई सीरिया में था, कोई जॉर्डन में था। और इनमें इसराइल यानी जो पहले फिलिस्तीन था 1948 तक, वहाँ से जो आतंकित करके भगाए गए फिलिस्तीनी थे इन इलाकों में रह रहे थे। 1967 में एक हमला फिर हुआ, एक लड़ाई फिर हुई और इसराइल ने इन इलाकों पर कब्जा कर लिया। वो कहा हम कब खाली करेंगे जबकि आप सब लोग रिकग्नाइज करोगे कि इसराइल को इंडिपेंडेंट मुल्क के रूप में आप रिकग्नाइज करो। कुछ सालों के बाद इजिप्ट ने कर दिया और फिलिस्तीनी लोगों ने भी किया कि हम भी तैयार हैं, बस इतने कि आप हमें अपने पड़ोस में इंडिपेंडेंट मुल्क बनाने का की बात कबूल करो। इसराइल ने माना नहीं। 1987 से लेकर 1993 तक मुबारक अवार्ड के नेतृत्व में इत्तेफादा करके इंतफादा करके एक आंदोलन चला जो लार्जली नॉन वायलेंट आंदोलन था। उस आंदोलन की वजह से इसराइल को समझौता करना पड़ा और ये कहना पड़ा कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक पर हम एक ऑटोनोमस पैलेस्टीनियन हुकूमत बना देंगे और आगे चल के ये इंडिपेंडेंट मुल्क भी बन सकती है। लेकिन धीरे धीरे इसराइल उसे पीछे हटता चला गया और उन इलाकों में अपने घर बनाता चला गया, बड़े कारोबारियों के घर बनाता चला गया, एस्टेब्लिशमेंट्स खड़े करते चला गया। लोगों ने उसका एतराज किया तो एक तरफा कार्रवाई होती, जब भी किसी ने एतराज किया तो इन्होंने उसके ऊपर बुलडोजर चला दिया, आदमियों को मार दिया, ऐसी घटनाएं घटती रही। तो जो रॉकेट हमास ने, जिनकी आजकल गाजा पट्टी पर हुकूमत है, उन लोगों ने अपने गांव में बने हुए मामूली से रॉकेट फेंके जो कि किसी टारगेट का निशान ही नहीं बना सकते थे, पता नहीं कहां गिर जाए क्या हो जाए, ऐसे रॉकेट दागे इन्होंने। उन रॉकेटों की वजह से मरे इसराइली के 10 मर गए, लेकिन इसराइल ने जो हमले किए उसमें 227 फिलिस्तीनी मर गए, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें ढहा दी गई और उनकी आम जिंदगी बर्बाद कर दी गई, स्कूल भी बर्बाद कर दिए गए। तो एक तरीके का आपने बुलडोजर चला दिया। मैं समझता हूं कि अमेरिका को इस मामले में, क्योंकि अमेरिका उनका एलाई है, उनको हथियार देता है, साफ आवाज उठाने की जरूरत है। हमारी बदकिस्मती यह है कि हमारी सरकार इसराइल से सबसे ज्यादा हथियार खरीदती है, उनकी खुफिया हमारे हिंदुस्तान में ऑपरेट करती है, इसलिए हमारी जुबान बंद हो गई है। फिर भी मैं मानता हूं कि हम किसी मुल्क के गुलाम नहीं है, हमारी अपनी रीढ़ है, हम इस मामले में सच्चाई का साथ दें।
और मैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज के विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के यहाँ बहुत अच्छा माहौल है, आप में कोई भेदभाव नहीं है काले गोरे का, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी अमेरिकन का, ये सब बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिलिस्तीन और इसराइल के सवाल पर आपकी आवाज़ उठती नहीं है, वो उठनी चाहिए। इंसाफ का तकाजा है कि हर पढ़ा लिखा आदमी जो भी सुकून से बसर जिंदगी कर रहा है वो दूसरे लोगों को सुकून छीनने वाली घटनाओं की आलोचना करे, सच बोले। मेरी हिंदुस्तान के लोगों से अपील है कि हम लोग इसको एथनिक मसला ना माने, इंसाफ का मसला मान के सच्चाई के हक में खड़े हों।